गुरुत्वाकर्षण भाग 3 मुक्त पतन। पिछले वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में जाना। इस वीडियो में हम मुक्त पतन यानी फ्री फॉल के बारे में जानेंगे। ज्यादातर चीजें जो ऊपर जाती हैं वो वापस नीचे गिरती हैं। अब इस वीडियो में चलो मुक्त पतन के बारे में कुछ और जानते हैं। मुक्त पतन को समझने के लिए हम एक आसान से प्रयोग से शुरुआत करते हैं। एक गेंद लो और इसे ऊपर की ओर फेंको। हम देखते हैं कि गेंद एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है और फिर गिरना शुरू कर देती है। यहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल गेंद को आकर्षित करता है और इसलिए गेंद नीचे की ओर जाने लगती है। तो जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है तो यह कहा जाता है कि वस्तु मुक्त पतन यानी फ्री फॉल में है। जब एक वस्तु मुक्त पतन में होती है तो इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन से त्वरण यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही होती है तब एक त्वरण उत्पन्न होता है और ये त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसलिए हम इस त्वरण को गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण कहते हैं। इसे जी से व्यक्त किया जाता है। इसका एसआई मात्रक भी त्वरण की तरह ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण का सूत्र निकालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं गति के द्वितीय नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। माना कि पिछले प्रयोग वाली गेंद का द्रव्यमान m है और जैसा कि हमने पढ़ा है कि मुक्त पतन में वस्तु में त्वरण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण F बराबर m गुना g। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था F बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा d स्क्वायर। इसलिए पिछले दो समीकरणों से हम लिख सकते हैं स्मॉल m गुना स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा d स्क्वायर या स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M बटा d स्क्वायर, जहां कैपिटल M बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान d बराबर वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी। माना कि एक वस्तु पृथ्वी की सतह के पास है तो पिछले समीकरण में दूरी d कैपिटल R के बराबर होगी जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है। इसलिए पृथ्वी के पास वाली वस्तुओं के लिए स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M बटा कैपिटल R स्क्वायर। जैसा कि तुम्हें पता होगा पृथ्वी एक पूरा गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी में कहां गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण अधिक होगा, ध्रुवों पर या विषुवत वृत्त पर? गुरुत्वीय बल का मान G विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। पृथ्वी की सतह पर या इसके पास स्मॉल g के मान को स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए समीकरण स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M बटा d स्क्वायर से स्मॉल g का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं कि g का मान कैसे ज्ञात किया जाता है।
जी का मान ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी गुना कैपिटल एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर में कैपिटल जी कैपिटल एम और कैपिटल आर का मान रखना है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी बराबर 6.7 गुना 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर 6 गुना 10 की घात 24 किलोग्राम और पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर 6.4 गुना 10 की घात 6 मीटर। हम जानते हैं स्मॉल g बराबर कैपिटल g गुना कैपिटल m बटा कैपिटल r स्क्वायर। स्मॉल g बराबर 6.7 गुना 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर गुना 6 गुना 10 की घात 24 किलोग्राम बटा 6.4 गुना 10 की घात 6 मीटर का स्क्वायर बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अर्थात गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, सभी वस्तुएं समान ऊंचाई से छोड़ने पर समान दर से गिरेंगी या नहीं, ये समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक कागज का टुकड़ा और एक छोटी गेंद लो। दोनों वस्तुओं को एक ही समय पर घर की पहली मंजिल से छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है, कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? हम ये देखते हैं कि गेंद जमीन पर पहले पहुंचती है और कागज का टुकड़ा बाद में। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। वायु का प्रतिरोध गिरती वस्तुओं की गति से उत्पन्न घर्षण के कारण होता है। यहाँ कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध गेंद की अपेक्षा अधिक है। लेकिन यदि ये प्रक्रिया हम कांच के बक्से के अंदर करें जिससे सारी वायु बाहर निकाल दी गई हो तो गेंद और कागज दोनों समान दर से गिरेंगे। इस वीडियो में हमने मुक्त पतन यानी फ्री फॉल के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम द्रव्यमान तथा भार के बारे में जानेंगे।